आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे अल्कोहल के बारे में। एक शराब एक आम चीज़ हो गई आजकल, एक स्टेटस सिंबल टाइप हो गया है कि हर आदमी चाहता है जो अगर शराब नहीं पीता, आप चार की महफिल में बैठे हैं, अगर किसी ने पूछा आप लेंगे, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लेते, तो उसको फिर हीन भावना से देखते हैं, ये तो यार थोड़ा पिछड़ा हुआ आदमी है, अल्कोहल भी मना कर रहा है। अब इसमें क्या है कि अल्कोहल में कई कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। कई लोग सोचते हैं कि अल्कोहल पीने से हेल्थ बढ़ जाती है, कोई कहता है हार्ट मजबूत हो जाता है, कोई कहता है हार्ट अटैक नहीं होता है। तो साइंस जो कहती है आज की तारीख में, जो सबूत आज की तारीख में है, एक बहुत बड़ा ट्रायल हुआ था इंटर हार्ट ट्रायल, स्विट्ज़रलैंड में करा था सलीम यूसुफ ने, तो उस ट्रायल में लाखों लोग रिक्रूट करे गए थे, उनके 20 साल तक फॉलो करा गया और उनकी क्या दिनचर्या थी वो देखी गई। उसमें देखा गया कि जो लोग एक हल्का सा अल्कोहल का सेवन करते हैं, जैसे कि आधा पैग एक पैग, उन लोग को मतलब 30-40 ml तक अल्कोहल लेते हैं, उनको कुछ हार्ट अटैक कम हुए और आगे कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी कम हुई। लेकिन जहाँ हम दो पैग के ऊपर जाते हैं तो लिवर की कॉम्प्लिकेशन, फैटी लिवर, सिरोसिस, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ट्राइग्लिसराइड प्रॉब्लम सब बढ़ जाती हैं। तो एक चीज़ ऐसी है कि बहुत लिमिट में अगर ली जाए, अब या आप नहीं ले सकते लिमिट में तो ना लें तो बढ़िया है, ना लें तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। अभी ऐसा सबूत नहीं आया कि हम कह दें कि जो नहीं लेता है उससे कह दें कि आप शुरू कर दो लेना, इतना सबूत नहीं आया है। जब ऐसा आएगा तो हम पर्चे भी लिख देंगे आपको, तो ऐसा सबूत नहीं है। लेकिन ये कि जो अगर बहुत इतना सबूत है आज की तारीख में, अगर कोई एक पैक तक लेता है पर डे, बहुत कभी है वो बहुत खास बात है, बर्थडे जन्मदिन है या कोई एनिवर्सरी है, चलो आपने डेढ़ पैक ले लिया, एक डेढ़ पैक तक अगर सेवन करते हैं आप, तो हम कहते हैं चलो लेते रहो, बढ़ाओ मत इसके, आगे मत बढ़ाओ, और छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, लेकिन उसमें कोई हानि ऐसी नहीं होगी। लेकिन आजकल तो आप एक बार पकड़ लेते हैं बोतल, छोड़ते कहाँ हैं फिर, तो घंटों रात और उसकी वजह से क्या है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहाँ पर कोई टेस्टिंग ऐसा सिस्टम है नहीं कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कोई, कि आप कायदे में जितने आप किसी दारू खाने के बाहर निकलें तो ब्रेथ एनालाइजर होना चाहिए और ब्रेथ टेस्ट करके तब आगे बढ़ना चाहिए।